और जिस पार्टी ने आज भिवंडी में बदलाव लाया उसके लिए एक जोरदार नारा कीजिए, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मंच पर मेरे साथ बैठे हुए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट अजय यादव जी, चीफ भाई अबरार, यहाँ पे रूप भाई है, आफाक भाई है, सुफियान चाचा है, तमाम समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, नासिर जावेद है, बहुत सारे मेरे साथी यहाँ पर हैं और समाजवादी पार्टी की पूरी युवा टीम यहाँ पर है, जैद, सभी लोग, मैं नाम पूरे नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन आज जिस किस्म का स्वागत यहाँ पे सागर प्लाजा रोड पे हुआ, मैं समझता हूँ कि भिवंडी के आवाम के दिल की ये आवाज़ है कि बहुत दिनों से भिवंडी की तरक्की को रोका गया था और आज पिछले एक साल में कोविड के बाद जिस तरह से एक के बाद एक काम हो रहे हैं, मुझे लगता है कि भिवंडी वालों को आप ये लगता है कि भिवंडी के अंदर जो सपना जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने देखा था और आज नाजिर जावेद ने जो यहाँ पर कहा है कि भिवंडी नया भिवंडी बनेगा, उसकी तरफ हम बहुत आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हर शहर की नुमाइंदगी असेंबली में होती है, लेकिन असेंबली के अंदर जैसे कि एक सूखा पड़ गया था, 10 साल से एक ऐसा शख्स वहां पे गया था जो भिवंडी की आवाम की नुमाइंदगी के नाम पे वहां पहुंचा तो था लेकिन भिवंडी की आवाज नहीं उठाता था। मैं तो 10 साल नहीं 15 साल की बात कर रहा हूं, लेकिन आपने जो ताकत दी उस ताकत की बुनियाद में आप देख सकते हैं कि भिवंडी के अंदर बैठे हुए 288 एमएलए जितने हैं वो जानते हैं कि भिवंडी की जरूरत क्या है और भिवंडी का नुमाइंदा क्या कहते हैं। भिवंडी के पावर लूम की आवाज हो, मोती उद्योग की आवाज हो, भिवंडी की सड़कों की बात हो, भिवंडी की आईजीएम की बात हो, भिवंडी के अंदर जितने नौजवान हैं उनके रोजगार की बात हो, भिवंडी के भ्रष्टाचार की बात हो, भिवंडी के खिलाफ जो गलत काम कर रही है वो हो, हर मुद्दे के ऊपर हमने असेंबली में बात। और यही नहीं कि सिर्फ आवाज उठाई, हमने मजबूर किया वो लोग जो पावर में बैठे हैं कि वो खड़े होकर बाइज्जत भिवंडी के मसले पर बात करें और जवाब दें। मैंने देखा था कि आपने कि कोई भी पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, कोई भी पार्टी का उप मुख्यमंत्री हो, वो आमदार भिवंडी का जो है रईस उसके सवाल को खड़े रहकर जवाब देता है। हमने सरकार को मजबूर किया कि आम अपोजिशन में होने के बाद भी हम टैक्स भरते हैं इस जमीन पे, इस महाराष्ट्र में, इस हिंदुस्तान में हमारा भी उतना ही हक है जिस किसी और पूना या पिंपरी चिंचोड़ का है। और आज देखिए, आज ऑपोजिशन में होने के बाद भी सड़कें बन रही है, हमारा सपना शांतिनगर रोड बड़ा मुश्किल था और आज सिर्फ रोड ही नहीं बन रहा, पाइपलाइन बदल रही है। मैंने कहा जिस तरह से बंबई में फुटपाथ बनता है ना, उसी तरह से भिवंडी में बनेगा। उस सड़क पे जहां फुटपाथ का नाम नहीं था, आज कांग्रेस का फुटपाथ बन रहा है। 50 साल पुरानी पानी की लाइन बदल रही है, 22-22 स्कूल जहां पे हमारी 2000 बच्चियां पढ़ाई करती थी वो 25 स्कूल को बंद कर दिया गया, आज 7 करोड़ की लागत से वो स्कूल बन रही। बहुत बड़ी परेशानी थी, शांतिनगर में मैं खड़े होकर सोचता था कि अगर मुझे कल्याण रोड जाना है तो 7 किलोमीटर से जाना पड़ता था, आज बीएमसी से पैसा लाके बिलाल मस्जिद पे खड़े रह के गाड़ी में बैठ के इंशाल्लाह ताला आसिम भाई को हम लोग पूरे पाइपलाइन रोड पे 1 किलोमीटर में कल्याण रोड की तरफ लेके जाएंगे। एक नई सड़क भिवंडी को मिली। जब मैं बिलाल मस्जिद से शांतिनगर से कल्याण रोड का रोड बना रहा था तो गायत्री नगर के लोग आए, बोले हमने क्या गुनाह किया है, 17 करोड़ बीएमसी से हमने लाया और वहां भी रोड बना दिया, अब वहां का काम चालू होगा, ये उद्घाटन के बाद उसका उद्घाटन होगा। ये सब क्यों मुमकिन हो पाया, क्यों मुमकिन हो पाया, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी ने और अबू आसिम आजमी साहब ने कहा कि आप रईस को जिताओ वो तरक्की का काम करेगा और आपने भरोसा किया। कौन है रईस शेख? रईस शेख कुछ नहीं है, भिवंडी की आवाम रईस शेख, मेरी ताकत आप हो और इसी तरह से आप मेरे साथ खड़े रहना।
मैंने अभी एक भाषण में कहा था कि गोल्डी में बहुत काम हुआ था जब मैं नगर से उठता, बहुत काम, मतलब मैं पीछे जाके देखता हूँ कि पानी का मसला हो, सड़क का मसला हो, स्कूल का मसला हो, अस्पताल का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह दिल को सुकून मिलता है कि इस मसले को हल करके 5 साल में हम निकले। तो मैंने मदनपुरी में काम किया, लेकिन ये सारे काम जब हुए तब एक बात थी भाई, रईस शेख जब रस्ते पे उतरता था ना तो उसके पीछे आवाम का एक समंदर होता था, मंत्रालय में या कॉरपोरेशन में बैठा हुआ कमिश्नर बोलता था कि यार रईस शेख का मोर्चा मुझे नहीं चाहिए, उसका काम पहले करो। आज मैंने वो सैलाब देखा जब मैं यहां से सागर प्लाजा रोड पे आ रहा था, और मेरे भाइयों मेरी बहनों आप याद रखो, आप सिर्फ रईस शेख के पीछे खड़े रह जाओगे ना जैसे आज खड़े हो, हर हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा और हर हक आपका चीख के लेके आऊंगा। और सिर्फ ये नहीं कि सड़कों के लिए, सिर्फ ये नहीं कि स्कूल के लिए और अस्पताल के लिए, हमारी इज्जत आबरू की लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। तो कोई मजहब बात मेरा खड़े होकर कहेगा कि महाराष्ट्र में 1 लाख नौजवान के केस है, तो एक रईस शेख खड़े होकर उसको आईना दिखाएगा, कागज दिखाएगा कि तू झूठ बोल रहा है, महाराष्ट्र में अमन है, महाराष्ट्र में भाईचारा है, कोई लाइफ नौजवान का केस नहीं है। ये होती है असेंबली की ताकत, ये होती है आमदार की ताकत। आपने ताकत दी, हर झूठ को बीजेपी के बेनकाब करने का काम हमने, 40 आमदार भाग गए शिवसेना के, तो कल तक उद्धव जी का नाम लेके नारे लगाते थे, हम लोगों को भी खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नगमा खराब नहीं हूं, मैं अपनी आवाम के लिए लड़ने वाला आदमी हूं, बीजेपी के तलवे चाटने वाला आदमी नहीं हूं। जब इस बात लिखा जाएगा, जब इस असेंबली का इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि आज जो हालात है ये हालात आम हालात नहीं है, 40 आमदार भाग जाते हैं, किसी को ईडी जेल में डाल देती है, बोलने पे केस हो जाते हैं, और ये इतिहास लिखा जाएगा देखना, जैसे आजादी का इतिहास लिखा गया था कि कौन कहा था। मुझे इस बात का फक्र है कि हमारा नाम वफादारों में आएगा, हमारा नाम लड़ने वालों के आएगा। ये बीजेपी देश में बोलने पे पाबंदी, खाने पे पाबंदी, हर तरह की पाबंदी, लेकिन मैं उस दिन रोहित पवार के साथ था अजय भाई, हम लोग जो यंग आमदार हैं, हम लोग तो आता रोड देख के भी आ गए, और ये आज से इस मन से मैं कहता हूं बीजेपी को कि अगर 2 साल के लिए भी जेल में भेजेंगे ना तो आजादी की लड़ाई की तरह हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बात है कि हमको बताना है कि हम कहां हैं, कि हमको बताना है कि हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, और मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हवा है, महाराष्ट्र के अंदर आने वाली सरकार सेक्यूलर सरकार होगी। हमने बहुत चीजों जहद की है कि भिवंडी को उर्दू घर मिले, आज आईजीएम अस्पताल के लिए 22 करोड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, भिवंडी के स्कूलों के लिए 30 करोड़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, भिवंडी के अंदर 100 MLD पानी आता है, 100 MLD, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतिहास में लिखा जाएगा कि समाजवादी पार्टी का आमदार था तो ये 100 MLD को 200 MLD करने का काम हमने। पानी के लिए 450 करोड़ रुपए हम लाए हैं, 15 किलोमीटर की पाइपलाइन से इंशाल्लाह पानी बढ़ा के देंगे, लेकिन आज पानी बहुत है, लेकिन किसी इलाके में 24 घंटे आता है तो मेरे इलाकों में कम आता है। एक लड़ाई लड़ना चाहता हूं मैं सड़कों पर, मैं आज से इस मंच से कमिश्नर को कहना चाहता हूं कि जितना पानी आता है उसमें सबका बराबर हक है, अगर ये हक हमको नहीं मिलेगा तो ये कॉरपोरेशन हम चलने नहीं देंगे, पूरी आवाम को मैं ले जाऊंगा और इस कमिश्नर को बताऊंगा कि डर की राजनीति इस कॉरपोरेशन में अब चलेगी नहीं। चुनाव कभी भी होंगे, आज तो चुनाव हो नहीं रहे, लेकिन दो बातें आपसे कहता हूं, ये रईस शेख आपसे एक बात और एक वादा मंच पे बैठे हुए लोगों से भी मांगता है और आपसे भी मांगता है। 3.5 साल अपना किरदार मैंने आपको बताया, हमारे इस्लाम में मजहब में क्या कहा गया है, किरदार देखो, मैंने अपने दामन को बिल्कुल बेदाग रखा है, 1 रुपए के करप्शन करने ना मैं देता हूं ना करता हूं, ईमानदारी से जिंदगी जीता हूं, क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। अब
आने वाले कॉरपोरेशन में अगर समाजवादी का मेयर नहीं बनता तो आने वाले 5 साल फिर रईसे को लड़ते रहना पड़ेगा। क्या मुझे बताइए इस भिवंडी शहर के अंदर इस 3-3.5 साल की खिदमत के बाद क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं आपके लिए ही भिवंडी के अंदर समाजवादी पार्टी का मेयर मांगू? मेरा हक बनता है कि नहीं बनता है? समाजवादी का मेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? समाजवादी का मेयर बनेगा कि नहीं बनेगा? और मैं मंच पे बैठे हुए मेरे साथियों से कहूंगा कि जैसे हम लोग, मैं हर जगह कहता हूं, हम लोग कहते हैं नेक सवाले औलाद दे, अल्लाह हमको नेक सवाले नगर सेवक दे, है ना। बड़ी मेहनत करके आसिम भाई 17 जीता के लाए थे, उसके बाद पार्टी के हालात कुछ बने नहीं। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, एकदम मोहतबाना